प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार और मेरे छोटे भाई जैसे, उन्होंने एक सवाल मुझसे किया कि उत्तर कोरोना काल के बारे में आप क्या सोचते हैं। इस सवाल ने मुझे कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। मैंने अपने दिल को टटोला। मुझे ऐसा लगता है कि इससे हम कुछ सयाने होके तो निकलेंगे। ये सयानापन केवल मैं आयु के अनुसार नहीं कह रहा हूँ, ये बच्चों तक में ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आएगा। चाहे उसको आप शारीरिक स्वच्छता के नियम कह लें, अन्य बातें कह लें, स्वास्थ्य के वो नियम जिनकी जड़ें हम अपनी संस्कृति में ढूंढ सकते हैं, जिन्हें हमने लगभग भुला सा दिया था। आप ये देखिए कि इस पूरे काल में जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं वो जितने शीर्ष पे उभर कर इस समय आई हैं, इससे पहले मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से उभर कर आई थी। तो ये एक सयानापन तो दे के जाएगा कोरोना हमें, और ये परिवर्तन हम सब में महसूस करेंगे। अभी एक मित्र का लेख पढ़ रहा था मैं, जिसमें उन्होंने मीडिया में क्या परिवर्तन आएंगे उनके बारे में चर्चा की थी। अभी बहुत सारे अखबारों ने, जिसमें बड़े अखबार भी शामिल हैं, अपने पृष्ठों की संख्या कम कर दी। ये एक सच्चाई है कि कई बार पृष्ठ संख्या के दबाव में हम उसमें सामग्री भरनी है, इसीलिए अनावश्यक रूप से भी हम उसमें अपने प्रयत्न और श्रम लगाते हैं। कई बार हैं लोकल लेकिन ग्लोबल की बात करते हैं, क्योंकि हमें पृष्ठों की संख्या पूरी करनी है। मुझे लगता है कि ये जारी रहना चाहिए, और जिसको कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, जो सही शब्द नहीं है, सामाजिक दूरी रह के तो हम रह ही नहीं सकते, अर्थात शारीरिक दूरी बना के कार्य करना वो संभव नहीं हो पा रहा है, इतनी स्थान का अभाव है। अगर हम यही जो वर्तमान में कर रहे हैं, घर से काम करना, पृष्ठों की संख्या कम करना, दरअसल पाठक को अब इतनी ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है। एक बात हम महसूस करते हैं कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे बड़े वीडियो, बड़ी पोस्ट आती है तो हम कई बार छोड़ देते हैं। हमारा एक रोज का बड़ा सरदर्द ये भी हो गया है कि अपने स्टोरेज को कैसे ठीक करें, तो उसकी बजाय अगर कोई छोटी और चुटीली चीज़ आती है तो हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक नए तरीके का सयानापन हमारे जीवन शैली में आने वाला है। सोशल मीडिया में मैं कहीं पढ़ रहा था कि सरकार ने अब बंदिशें लगा दी हैं कि आप विवाह में 50 से ज़्यादा लोग नहीं आमंत्रित कर सकते। तो उस पर किसी लड़की की एक पोस्ट आई थी कि इसको स्थायी नियम बना देना चाहिए, इसमें एक सामाजिक प्रतिध्वनि है। तो ये एक अगर आता है और किन्हीं अंशों में भी आता है तो ये एक शुभ संकेत होगा। हमने ये भी देखा कि पर्यावरण में कितना परिवर्तन आ गया, दुर्घटनाएं कम हो गई। मैं ये नहीं कह रहा इसके कारण कोरोना जैसी बीमारियां आती रहनी चाहिए, पर इसने कहीं ना कहीं हमको, हमारे अंतर्मन को झंकृत तो किया। इसको स्थायी रूप देना चाहिए, और ये सब हमारी परंपरा में रहा है और हम इसको कर सकते हैं। ये जो एक नया सयानापन आया है, हम अपने खान पान को लेकर,
और बाकी बातों को लेकर जितने जागरूक इस काल में हैं, अगर इसके 50% भी हम बाद में रहें तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हम बहुत सारी चीज़ों का बड़ी सक्षमता से सामना कर पाएंगे। और ये परिवर्तन बहुत शुभ इस मायने में होगा कि ये हमारे बच्चों तक में आ रहा है। बिल्कुल नया, बच्चों ने अपनी कई मांगें कम कर दी, बर्गर पिज़्ज़ा की मांगें कम हो गई, चॉकलेट की मांगें कम हो गई, और किसी ने तो बहुत ही परिहास में कहा भी कि अगर हम जितने खर्च में अभी घर चला रहे हैं वास्तव में इतने ही हमारे लिए पर्याप्त है, अगर हम बहुत सारी चीज़ों से बच के रहें तो अगर इसके कुछ हिस्से हम स्थायी रूप से अपने जीवन में लागू कर पाएँ तो हमारा आने वाला जीवन ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।